हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। आज हम बात करेंगे फ्री में ऑटोमेटिक रिसाइज कैसे करें किसी भी इमेज की विद इन 1 मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले ही ड्रैग कर लिया है इमेजेस, उसकी आपको साइज़ मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर्टी में जाके। देखिए दोस्तों, मैं दो फोल्डर बनाए बिफोर एंड आफ्टर का। बिफोर वाले की साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में जाके आप साइज़ देख लीजिए, 1200x800 है, राइट। इसको हमें रिच साइज करना है तो मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाएगी विद इन सेकेंड। सारा सिलेक्ट करने कर लेना है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करके आपको एडवांस में क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जो साइज़ में चाहिए सारे फोटोज़, वो साइज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वो हो जाता है तो आपको आउटपुट कहाँ चाहिए, मतलब रिजल्ट कहाँ चाहिए, तो उस फोल्डर को आपको चूज़ करना रहेगा। मैंने ये फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है आफ्टर करके। तो जैसे ही वो हो जाता है आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। देखिए जो जैसे आप क्लिक करेंगे रिजल्ट आपके सामने है और साइज दोनों की आप चेक कर सकते हैं। आपको डन कर देना है। अब आप जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था उसमें ले चलता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी में जाके मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ इसकी, जो आपने वहाँ पे एंटर की थी वही यहाँ पे दिखाएगा। इस सॉफ्टवेयर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।